पाले अब बैठ और मार रही से पड़े अगर इसे तू हेलो गाइज, माय नेम इज मैडी, मैडी के प्रैंक में आपका स्वागत है। गाइज मैं आ गया हूँ एक और हेल्पिंग वीडियो के साथ। और इन मैडम ने हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था। इनकी प्रॉब्लम पता है क्या है यार? इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनका लड़का है, ठीक है ना, ये लड़के के पिताजी हैं। ये पिताजी गाँव रहते थे, इन्होंने अपने लड़के को जो है जॉब के लिए निकाल दिया गाँव से, कि चलो गाँव से निकल के जो है शहर में जाके बढ़िया जॉब कर लेगा, बढ़िया करियर बना लेगा। तो इन्होंने जो है भेज दिया वहाँ जाके, इस लड़की से उसे प्यार हो गया, और प्यार होने के बाद इन्होंने शादी कर ली कम एज में, बहुत कम एज है उसमें जो है इनकी कोर्ट मैरिज हो गई। और कोर्ट मैरिज होने के बाद में इन्होंने जॉब वगैरह कर रहे थे, तो इन्होंने जो है कर करा के उसके बाद में उस लड़के ने क्या करा, वो बदतमीजी करने लगा और ये सारी चीज़ें हरकतबाजी कर रहा है इनके साथ, और वो दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। अब कह रहा है इन्हें मैं तो छोड़ूंगा, और दूसरी के साथ रखने के लिए बोल रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस लड़की ने जो है उस लड़के के फ़ोन में से इसके उस लड़के के पापा का नंबर निकाल लिया, और उन्होंने जो है कॉल कर ली इन्हें, सारी सिचुएशन बताई जी तुम्हें, ठीक है ना। पूरी सिचुएशन बताने के बाद में इन्होंने मेरे पास मैसेज करा, मैसेज करने के बाद में इन्होंने मेरे से हेल्प मांगी, मैंने जो इनसे बात करी, इनसे बात करके इन्हें यहाँ बुला लिया जहाँ ये जॉब कर रहे थे, ठीक है ना। अब जो है वो लड़का जो है यहाँ बुलाया हमने, और ये मैडम बताएंगे तुम्हारे साथ वो क्या बदतमीजी कर रहा, क्या क्या करता है बताओ। पहले हम दोनों कहीं जॉब करते थे, ठीक है, एक साथ। हाँ। और फिर उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली। हाँ। मेरे पेरेंट्स के खिलाफ, ठीक है। हाँ। मेरे हमने कोर्ट मैरिज शादी करने के बाद मतलब कोई दिक्कत नहीं, बहुत वो नशा करने लग गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसका बाहर किसी से रिलेशन, फिर उसने मुझे बोला कि या तो तुम मुझे छोड़ दो या तो तुम उसके साथ उसको अपने साथ रखो, एक्सेप्ट करो, है। और नशा करके मतलब शराब पीता है, बहुत तरह के नशा जो भी होता है, हर तरह के नशा करके हमेशा तो बदतमीजी इतना ज़्यादा करता है। और कब कभी कभी घर पे आता है, बहुत मतलब जब चाह तब आता है, और ताला मतलब बंद भर गया। हाँ, ताला बंद करके चला जाता है, मतलब रोज तो रोज। तुमने उसके फोन में से इनका नंबर निकाल लिया चुपचाप? हाँ, फिर है ना मैंने एक दिन ये नाइट में आए थे, फिर ये मैंने पापा जी का नंबर निकाला, फिर मैंने इनको सारी स्टोरी बताई। इन्हें भी नहीं पता था कि हमारी शादी हो गई है, क्योंकि किसी को नहीं पता, बस हम दोनों को ही पता है। हमने अच्छा मतलब पता नहीं है। हाँ, पापा तो को भी नहीं पता था। तुम्हें जो है मतलब तुम्हारे लड़के ने बताया नहीं कोर्ट मैरिज करी है? नहीं, मेरे को कुछ नहीं मालूम। मैं तो तुमने गांव से निकाला उस लड़के को, तरक्की कर ले, लेकिन वो जाके इस लड़की को बेचारी को देख रहे हो कितनी कम एज में शादी कर ली, ऊपर से अब कह रहा कि दूसरी के साथ रखूँगा, ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है। तुम्हारे लड़के को अब जो है ना इसने बुला लिया है यहाँ पे, ठीक है ना, तुम भी गांव से आए हो, ठीक है ना। उसको जो है लड़के को तुम्हें दिखाएंगे वो क्या हरकतबाजी कर रहा है, ठीक है ना। अभी हम कैमरे के पीछे जाएंगे तीनों, ये राहुल, ठीक है ना, राहुल है, तुम हो और मैं हूँ, हम कैमरे के पीछे जाएंगे। उसके बाद में जो उस लड़के को आने देंगे तो वो किस तरह की बदतमीजियाँ कर रहा है इसके साथ तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है ना, सामना हो जाएगा, ठीक है। गाइस अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, इन्होंने बताया कि अभी थोड़ी देर में आने वाला है वो, ठीक है, मिलते हैं। हेलो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बेस्ट गेमिंग एप्लीकेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें आप 70+ गेम आसानी से खेलकर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यही नहीं गाइस, इसमें फ्री फायर और COD के टूर्नामेंट किसी के साथ भी ईजी के खेल कर बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। विंजो का जो वर्ल्ड वॉर गेमिंग टूर्नामेंट है, हारो या जीतो, बहुत आसानी से आप इसमें लाखों कमा सकते हैं। और ये बिल्कुल विंजो जो है ये फ्री है, पर दो गेम फ्री है, विंजो पर विंजो स्टोर भी है, जहां पर आप लोड मोबाइल, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर जैसे गेम की करेंसी को बाई कर सकते हैं। जो वॉलेट से जो भी आपका जीता हुआ अमाउंट है वो ईजिली विड्रॉ कर सकते हैं, पेटीएम, बैंक ट्रांसफ़र, UPI से। किस बात किया गाइस, इंतज़ार किस बात का है, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर उस लिंक से आप विंजो ऐप को डाउनलोड करके खेलोगे तो आपको मिलेगा 50 rupees का बोनस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हाँ भाई, क्यों बुलाया मेरे को यहाँ पे? मुझे तुमसे बात करनी है, तुम घर पे तो ढंग से बात नहीं कर पाते। मैंने बोला था घर पे बात करूंगा, ताला लगाया हुआ था, तुम बाहर कैसे आ गई? तुम प्लीज यार मुझसे बात करो यार, प्लीज। बाहर में क्या कर रही है यार? यार प्लीज यार मुझसे बात करो, मुझे तुमसे बात नहीं आती है। तू मुझे तुमसे बात करनी है यार, प्लीज यार समझो यार। और तुम्हें क्या कर रहे हो यार, इसे फेंको। मैं पीऊंगा, कुछ भी करूंगा, दारू पीऊंगा, सिगरेट पीऊंगा, अपने पैसे का पीता हूं। यार प्लीज यार, तुम क्यों नहीं समझे, तुमने शादी से पहले तो इतने सारे वादे किए थे कि तुम मुझे जॉब भी करवाओगे, तुमने मेरा जॉब भी छुड़वा दिया, और तुमने बोला सुन, तेरे से अब मेरा मन भर गया, ठीक है, मेरे पास दूसरी है, मैं उसके साथ रहूंगा। यार तुमने
शादी से पहले तो इतना वादा किया था कि तुम ये करोगे वो करोगे, अब तुम ऐसे कर रहे हो यार। सब तोड़ रहा हूँ मैं वादा, ठीक है यार, मैं प्लीज, ही हूं। प्लीज यार बात मान जाओ यार, प्लीज यार तुम ऐसे क्यों कर रहे हो यार। मैं उससे प्यार करता हूँ, दूसरी वाली से, तेरे से नहीं करता। यार तुमने शादी से पहले मुझे ये सब क्यों नहीं बताया था? तू ना तुमने मुझे शादी से पहले ये सब क्यों नहीं बताया था? मैं शादी से पहले तेरे से प्यार करता था, मगर मैं उससे करता हूँ। क्यों करते हो यार? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया ये बताओ तुम मुझे? मेरे को दूसरी पसंद आएगी, मैं उसको छोड़ दूंगा यार। ये तो ये मैं ऐसा यार दूसरी वाली से शादी करूंगा, समझ में आई तेरी बात? प्लीज यार, ऐसी क्या कमी है मुझ में ये बताओ तुम मुझे? तेरे से मेरा मन भर गया, अब उसके साथ रहूंगा मैं। कमी क्या है मुझ में ये बताओ तुम मुझे? कमी तेरे में बहुत है। क्या है बताओ यार? तेरे से मजा नहीं आता मेरे को यार। प्लीज यार, चुपचाप रह, ज्यादा बोल मत, घर जा चुपचाप। यार प्लीज यार, तुम यहीं पे बात क्लियर करो यार, प्लीज तुम बैठो तो आराम। जा रहा मैं उसके साथ जाऊंगा। नहीं यार, तुम पहले आराम से बैठो तो यार, मुझे प्लीज यार तुमसे बहुत सारी बातें करनी, प्लीज बैठो तो यार। प्लीज तुम ऐसे क्यों कर, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो यार? क्या बात करनी है बोल यार, तुम ऐसे कर क्यों रहे हो ये बताओ मुझे? मैं तेरे साथ अब रहना नहीं चाहता हूँ, इसलिए। क्यों नहीं रहना चाहता? क्यों? नहीं 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 यार, नहीं नहीं यार, मुझे ये तो बताओ तुम क्यों नहीं रहना चाहते मेरे साथ? किया मैं तुम्हारे अलावा मेरा यहाँ पे कोई भी नहीं है यार। तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? भाड़ में जा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मैं दूसरी वाले के साथ रहूंगा यार। अगर तेरे को रहना है ना मेरे साथ, यार तुम क्यों नहीं बात मानोगे? कैसे रह लूंगी मैं उसके साथ? मैं कैसे रह लूंगी उसके साथ ये बताओ तुम? नहीं रहेगी तो भाड़ में जा तू, ठीक है यार? प्लीज यार, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं ऐसे ही करूंगा यार। प्लीज यार, प्लीज यार, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम यार? बात मानो यार, तू ना मेरा दिमाग खराब कर दिया। प्लीज यार छोड़ दे, छोड़ो तो सही। क्या है तू, नया सिख बुलाई है यहाँ पे? अबे कौन है फिर तू? बताऊ तुझे कौन है? कौन है? अबे कौन है? अबे क्या है, कैसे बात कर रहा तू इससे? बीवी है मेरी, कुछ भी करूं मैं उसके साथ? बताऊ तुझे, कुछ भी करेगा तू, साले तू इसे टच भी मत कर दियो। बीवी है मेरी, तू घर के मैटर में कहां से आ रहा है? घर के मैटर में कहां से आ रहा है? साले इतना घाड़ूंगा तुझे, इतना घाड़ूंगा, जमीन में धाड़ दूंगा तुझे, समझ आई तुझे बात? निकल जाए यहां से, बीच में मत आ, बीवी है मेरी। मैंने बुलाया इन्हें, तुम मेरे साथ इतना कुछ गलत करते हो तो क्या है? मार कैसे रहा है बे, मार कैसे रहा है इतना? इधर हो जा, मरना साले इतना काटूंगा ना, बहुत पूरा काटूंगा तुझे। मैंने बुलाया बताऊंगा तुझे कौन हूं मैं, बहुत अच्छे से बताऊंगा तुझे मैं। साले तूने इसके साथ क्या क्या गलत कर रखा है, जिसने मुझे सारी एक एक चीज बता दी। बीवी है मेरी, कुछ भी करूं मैं उसके साथ? कुछ भी करेगा तू? हाँ करूंगा। तू कभी ना करे साले, इतना मारूंगा ना तू जिंदगी में, इसकी तरफ आंख भी उठा के ना देखने का, समझ आई तुझे बात? मुंह फोड़ दूंगा तेरा, जितनी बदमाशी है ना तेरी सारी निकाल दूंगा, कभी किसी और भूल में हो तू। जा, जिसके साथ रहना रहे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तू, तेरे को फर्क पड़ेगा भी नहीं साले, तू तेरे जैसे बेशरम की शादी भी नहीं होनी चाहिए, समझ आई तुझे? तुझे जो है ना, तूने साले मजे के लिए एक लड़की की लाइफ खराब कर दिया, तुझे थोड़ी बहुत भी शर्म है तुझे या नहीं है? किसको बुला रहा है तू? क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या कर रहा है अभी? तेरा नशा ना उतरा है बे, तेरा नशा सारा उतरा। ये देखो, दिन में भी नशा करके आते हैं, घर पे भी ऐसे ही नशा करके आते हैं। सिगरेट पी, और सिगरेट पी के मुझे जलाते रहता है हर जगह। तू है हाँ? चुप हो जा, जलाता तू इसे? हाँ, सिगरेट पी के मुझे जला देता है, अभी भी मुझे जला रहा था। साले तू, इसने बताया मुझे बेल्ट से मारता, कहाँ है तेरी बेल्ट? साले बेल्ट, बेल्ट दे साले की, निकाल के जरा इसका भी, अभी बताऊंगा। ये सब क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये सब? इधर साले, इतनी बेल्ट बजाऊंगा ना तेरे पे, तेरा सारा दिमाग निकाल दूंगा तेरा, जितना भी चढ़ रही तुझे है बे। क्या हाथ साले, इतना कूटूंगा ना तुझे याद करने का भी। ले पकड़ियो रईसा, पकड़। बहुत बंदे हो गए ना तेरे पास। मुझे मुझे चारों ओर से पकड़ के और तब मारता है ये बेल्ट से। चुप हो जा, चुप बैठ जा बिल्कुल। तूने जो है ना इसकी इतनी जिंदगी खराब करके, इसकी एज ही क्या है साले? तू दो दो को चलाएगा, पर तू एक चलाने लायक नहीं है, तू दो दो को चला रहा है। इसके अपने माँ बाप से नहीं मिल सकते, तू सोच रहा है कि कोई है ही नहीं? साले मैं बैठा हूँ इसके लिए, समझ आई तुझे बात? भाई हूँ इसका, इसने ही मुझे बुलाया, और भाई हूँ, समझ आई तुझे बात? साले बदतमीज, मैंने इसके लिए अपने पेरेंट्स को तक छोड़ दिया, पर इस लड़के ने मुझे आज आके छोड़ दिया यहीं पे। गंद सोच है साले, जब तू मुझे ये बता रहा है, आशिक बता रहा है इसका है बे, साले आशिक बता रहा है, आशिक बता रहा साले, सुअर बना दूंगा तेरा, लड़की को परेशान करेगा। इधर तू जो है ना, देखो इस साले की इसकी अकड़ निकालूं, खड़ा ही है बे,
तेरा जो है ना सारा भूत उतार दूंगा साले, बेल्टे बजा बजा के। अबे साले चल जा, बहुत हो गया तेरा। अच्छा चुप हो जा। भी नहीं जा रहा। अबे क्या है साले ना। भैया या तो मेरा इससे पीछा छुड़वा दो या तो इसे सुधार दो, कुछ तो करो भैया इसके साथ। इसे पकड़। इसकी सारी अखंड निकालो साले, मैं रहपट अभी। हैं क्या है, इधर आ। बताऊं कौन हूं, बताऊं कौन हूं। अंकल आ जाना यार, आइए। कौन है, कौन है, कौन है, बोले। इनको कौन बुलाया? मैंने बुलाया पापा को। तुम्हारी सारी हरकतें बताइए मैंने पापा को। झूठ बोल रही है पापा। माफ कर दो, माफ कर दो पापा, जो बोलोगे वो करूंगा। बोलने को रखा है क्या? सॉरी। माफ कर दो। इधर आ, ये बेल्ट दो इसे, मैं बताऊंगा। ये तू अंकल जो है ना तुझे पीटे ना साले, क्योंकि तुझे बड़े लाड चाव से रखा उन्होंने। मारो इसको साले। तूने जो है ना इनकी इनकी नाक कटवा दी। तूने बताया कैसे ना बे लव मैरिज करी है बे तूने? इन्होंने कभी मुझे पापा से बात भी नहीं करने दिया। मैंने इन्हें कई बार बोला मुझे पापा से बात करने दो। आया हूं मैं यहां साले। इन्होंने जो है ना इसने सारी बात बता दी, सारी हिस्ट्री तेरी। समझ आई तुझे बात? और इन्हें सारी चीज पता चल चुकी। वो तो बाप अच्छे हैं साले, तुझे इतना बढ़िया करके पाला, तू इकलौती औलाद है, तुझे इसलिए वहां पे भेज दिया। और अब भी देख रहा तेरे पे बजाया, इन पे बजाया भी नहीं जा रहा तेरे पे साले। यार तू नशेड़ी एक नंबर का हो रहा है, दो दो चलाएगा तू? दो दुनिया की हर एक नशा ये करता है लड़का। मुर्गा बन, मुर्गा बन, मुर्गा बन यहाँ पे। बेल्ट दिखा, मुर्गा बन। अरे खड़ा खड़ा साले, करेगा तू, करेगा साई को पन? या तो प्लीज भैया, या तो इसे सुधार दो, या तो इसे मतलब मेरी जिंदगी से निकाली दो। सुनो अब देखो, इस लड़की को जॉब छोड़, इसने जॉब छोड़वा दी इसकी। तुम एक काम करो, इस लड़के ने शादी करी है कोर्ट मैरिज, तुम इसे लेके जाओ गाँव लड़की को, ठीक है ना? ठीक है। ये लड़की इसके साथ नहीं रहेगी। मैं रह ही नहीं सकती भैया बिल्कुल भी इसके साथ। इसके जो है ना इसको सुधारना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और वरना तो तुम क्या हो, तो फिर मैं सुधारू इसे बढ़िया करके। इतना कूटूंगा ना इसे, इसकी सारी खाल उतार दूंगा साले। ये तो बाप अच्छे हैं। पकड़ साले, यहाँ बैठ और मारा इसे बढ़िया करके। ये भैया ये बहुत ये जो है ना ये आज के बाद जो है ना ये तेरे साथ नहीं रहेगी साले। ताले में बंद करके जाता, तेरी नौकरानी, तेरी गुलाम है बे। और हफ्ते में एक बार आते हैं। ये जो है ना अब जो है इनके साथ जाएगी, और साले माफी मांग के और हाथ पैर जोड़ के जिस दिन ये जो सुनो अंकल ये इसके साथ उस दिन भेज देना जिस दिन ये माफी मांग के और तुम्हारे से हाथ जोड़ के और इज्जत में आए। ये नशेबाजी छोड़ के साले, नशेबाजी छोड़ के अभी मांग रहा है माफी साला। माफी मांग, माफी मांग, माफी मांग। सॉरी नीचे बैठ के इससे शादी करी ना इसके साथ ही रहेगा तू। और आज तो मैं इनके साथ भेज रहा हूँ साले, जब तक उधर को दिख भी मत जाना, जब तक सुधर ना जाए। समझ आई थी? इसके घर में घुसने मत देना, ठीक है ना? ठीक है, इस लड़की को लेके जाओ। इसकी ज़िंदगी हम यहाँ पर ख़राब नहीं कर सकते। ये बंद करके रखता और अय्याशी करता और आता नहीं है, इसे लेके जाओ, ठीक है ना? लेके जाना तुम्हें, ठीक है इसे, ठीक है ना? साले तेरा जो है ना ये सारी अकड़ जो है ना, अगर तेरे पापा अगर ना होता ना इतना मारता साले, खाल उतार देता तेरी। इधर आ, इसे लेके जाइए भाई। और साले की इसकी कुटाई कर, इसके पापा ने तो कम करी है लेकिन हम कूटेंगे इसे बढ़िया करके। चलो बेटा ले जाएंगे तुमको अपने साथ। इस बेचारी का कितना बुरा हाल है, इसकी इतनी कम एज है, इतनी कम एज में इसका तुम्हारे लड़के ने कितना बुरा हाल करा। तुमने पढ़ाई के लिए भेजा, जॉब कर रही है उन्होंने, और इनसे शादी कर ली, और इस लड़की की जो है शादी करके इसकी लाइफ ख़राब कर दी। अब दूसरी लड़की के साथ घूम रहा, और देख रहे हो तुम कि सिगरेटें पी रहा, शराब पी रहा। जब ये तू यहाँ पर इतनी गंदी हरकतें कर रहा तो घर में रह के क्या करता होगा ये? और एक एक हफ्ते आता नहीं है ये लड़की। अब तुम जो है ना इसे इसे लेके जाओ अपने साथ, ठीक है ना? अब ये तुम्हारे घर की बहू है, ठीक है? इससे अलग कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है? और इस लड़के को जो है ना बहुत बढ़िया करके सुधारो, ठीक? अगर ये ना सुधरे ना तो भाई मुझे कॉल कर देना, तुमसे कह रहा हूँ, ठीक है? अगर ये ना सुधरे तो मेरे पास फिर दोबारा कॉन्टेक्ट करना, इसका बिल्कुल मैटर क्लोज कर देंगे हम,
ठीक है पर मुझे नहीं लगता भैया ये कभी सुधरेगा, ये सुधर ही नहीं सकता ये कभी। तो फिर एक्चुअली पता क्या है, तुमने अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया है, ठीक है ना भैया? शादी से पहले इसने बहुत सारे वादे किए थे, इसलिए मैंने इससे शादी कर लिया था। अब देखो इतनी कम एज में शादी करने का थोड़ा हर जाना तो भुगतना पड़ेगा ना। तुम खुद सोचो ना इस चीज को। अभी मैं जो हूँ तुम्हें इनके साथ भेज रहा हूँ फॉर सेफ्टी, ठीक है ना? अगर उसके बाद में सुधर के नहीं आता इनके पास में, माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगता, याशियाँ नहीं छोड़ता लड़कियों के साथ, तो उसके बाद में अगर ये नहीं करता तो फिर उसके बाद में इस लड़की को तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे पास कॉल करके छोड़ोगे, ठीक है जी? ये लड़की खुद भी कर लेगी, मुझसे बात करना, बात करने के बाद में ये जो है इससे तुम्हारा पीछा मैं छुटवाऊँगा, ठीक है ना? तो गाइस देख रहे हो ये बहुत ही पेचीदा मामला हो गया और इस लड़के ने जो है ना ज़िंदगी ख़राब कर दी। इस लड़की की बेचारी बहुत कम एज है यार, इसके माँ बाप भी मिलते नहीं हैं क्योंकि इसने लव मैरिज कर ली कम एज में आके। अब अगर तुम्हें ये वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और नीचे ऑफिशियल मेडी 01 करके आ रहा होगा उसे जाके फॉलो करो।